फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए 13-in-1 फैमिली गेम के स्टेप परचेज का ट्यूटोरियल वीडियो लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। चलिए इस गेम को देखते हैं कैसे खेलते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। जैसे कि लूडो के अंदर होता है कि गोटी जो होती है वो 6 और 1 के अंदर खुलती है, इसके अंदर वो नहीं होता है। इसके अंदर डायरेक्टली 1 से स्टार्ट करके आगे चलना स्टेप्स चलने होते हैं। लूडो के अंदर बहुत ज़्यादा वेट करना होता है, स्टिल लूडो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा गेम है। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा मेन गेम बोर्ड। इसके अंदर टोटल 6 प्लेयर गेम है और इसके अंदर 2 डाइसेस की ज़रूरत होती है। और जो टोकन इस गेम में यूज़ होते हैं वो इसके साथ नहीं आते, तो आपको बनाने पड़ेंगे। तो मैंने ग्लू गन की हेल्प से इनको बना के इनको कलर कर लिया है। आपको टोकन जो है वो छोटे बनाने होंगे, क्योंकि इसके अंदर जो रेक्टेंगल्स हैं वो छोटे छोटे हैं, तो आपको टोकन्स भी छोटे बनाने होंगे। आप किसी और चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो टर्निंग सीक्वेंस होती है, जो बारी की जो सीक्वेंस होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है, यानी कि रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, ऑरेंज एंड पर्पल। पर्पल को लास्ट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अगर आप 6 प्लेयर 6 पी खेल रहे हो तो। तो जैसा कि इस गेम का नाम है स्टेपल चीज, इसके अंदर एक टाइप ऑफ हॉर्स राइडिंग करनी होती है, हॉर्स रेसिंग होती है ये, और हम लोग इसमें हॉर्स राइडर होते हैं एक टाइप ऑफ। और इसके अंदर बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स भी हैं। ये जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं इनको स्टेपल्स बोलते हैं। इसमें एक रिवर भी है, अ टाइप ऑफ ऑब्स्टिकल, तो यहाँ पर भी है और इधर भी है। सो फ्रेंड्स, आप अगर 15 नंबर पे जो स्टेपल है उसके ऊपर लैंड कर जाते हो, जैसे कि येलो वाली है, ये आगे 15 नंबर स्टेप पे आगे, इसमें 1 to 100 तक के स्टेप्स होते हैं। जैसे कि येलो वाली 15 स्टेप पे आ गई और 15 जो स्टेप्स हैं उसके ऊपर स्टेपल है, तो उसके ऊपर आपके ऊपर एक छोटा स्टॉपेज सा लग जाता है, आपकी टर्न मिस हो जाती है। ऐसे 44 के ऊपर रिवर है, तो आप अगर 44 के ऊपर आ जाते हो तो आपकी एक टर्न मिस हो जाती है और फिर ऐसे गेम कंटिन्यू चलता है। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि अगर आप 98, आपको इसके अंदर फिक्स 100 के ऊपर पहुंचना होता है, 100 से ऊपर नहीं जाना होता, फिक्स 100 के ऊपर आना होता है। और जब गेम स्टार्ट होता है तब 0 का कोई रोल नहीं होता है, इसके अंदर सीधे 1 से स्टार्ट करते हैं, सीधा 1 से, इसके अंदर 0 का कोई रोल नहीं होता। जैसे कि आप 98 पर हैं, आपको सिर्फ 2 नंबर रिक्वायर है, तो आपको एक बार दोनों डाइस से चलानी होगी जब तक आपके 2 नहीं आ जाता। अगर एक में कोई भी रैंडम नंबर आता है और एक में 2 आ जाता है तो फिर आप गेम जीत जाते हैं। लेकिन अगर एक स्टेप का फ़र्क है तो आपको एक ही डाइस से खेलना पड़ेगा, सिर्फ एक स्टेप का फ़र्क हो तो। और अगर 3 या 4 का होता है तो दोनों डाइस, जैसे कि एक स्टेप का फ़र्क है तो एक से ही खेलना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे गेम कंटिन्यू चलता है और ये हॉर्स राइडिंग गेम कंटिन्यू चलती रहती है। यहाँ से 1 से लेकर 100 स्टेप्स होते हैं जो कि हमको पार करने होते हैं ऑब्स्टिकल के साथ। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का स्टेपल चेज ट्यूटोरियल वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करना, और कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।